हे दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बोला था कि इसका गेमिंग टेस्ट मैं करने वाला हूँ, तो आज आपको मैं इसकी गेमिंग टेस्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ। यह है सैमसंग का S23 FE, जो कि दोस्तों सैमसंग का फैन एडिशन है। तो इसमें आप किस ग्राफिक में गेम खेल सकते हो, किस क्वालिटी में गेम चल सकता है, कितना ये हीट होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको इसके साथ में इसमें टाइमर भी लगा के दिखाने वाला हूँ, कितनी देर तक गेम चलता रहेगा ये भी आपको साथ के साथ इसमें दिखता रहेगा, और कितनी इसमें बैटरी ड्रॉप होती है, कितना ये हीट होता है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। वैसे तो मेरे पे कुछ ऐसा इसका हीट नापने वाला कुछ ऐसा है नहीं, पर मैं नॉर्मली अगर बताऊं तो नॉर्मली फोन है, बिल्कुल ठंडा फोन है, कहीं से भी ये फोन हीट नहीं है। और इसकी अगर बैटरी बैकअप बताऊं तो दोस्तों ये आपको अगर दिख रहा होगा 46% इसमें बैटरी बैकअप है। पहले आपको मैं इसमें फ्री फायर लगा के दिखाने वाला हूँ कैसी इसमें क्वालिटी मिलती है, और कितना ये बैटरी ड्रॉप करता है, और कितना ये हीट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये टाइमर इसका ऑन कर लिया है। दोस्तों एक चीज बोलनी पड़ेगी, फ्री फायर काफी तेजी से इसमें स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों अगर इसकी ग्राफिक क्वालिटी आपको दिखाऊं किस ग्राफिक में हम खेल सकते हैं, तो आप ये ग्राफिक क्वालिटी देखिए, अभी लो है, मैं मैक्स कर रहा हूं, इसकी हाई ग्राफिक क्वालिटी कर रहा हूं। इसमें जो हमको ग्राफिक क्वालिटी मिलती है दोस्तों, हम हाई तक इसमें जा सकते हैं। ग्राफिक बताऊं दोस्तों काफी अच्छे हैं, आपको इसमें ब्राइटनेस भी आपको काफी ज्यादा मिलती है। पर एक चीज दोस्तों मैं इसमें बताना चाहूंगा, मेरे को जो पहले इसमें महसूस हुई थी वो क्या है दोस्तों, अगर आप इसकी ब्राइटनेस ऑटो पे रखते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको इसमें दिक्कत आने वाली है गेम खेलते हुए। बहुत ही ज्यादा ये ब्राइटनेस अपनी ड्रॉप कर देता है, बहुत ही ज्यादा लो ब्राइटनेस कर देता है, तो दोस्तों गेम खेलने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब आप इसमें गेम खेल रहे हो तो उस वक्त आप इसकी ब्राइटनेस ऑटो पे मत रखना, कि आपको इसमें 1450 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आपको गेम खेलते हुए भी महसूस होगी। दोस्तों ये गेम 5 मिनट चला है, कहीं से भी अभी तक हीट नहीं हुआ है, पर जो इसमें बैटरी थी वो 46% थी, अब 44% रह गई है। इसने मतलब 2% इसने बैटरी ड्रॉप करा है 5 मिनट के गेम में। अब इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के देखते हैं कैसी इसमें क्वालिटी मिलती है। तो दोस्तों ये इसकी ग्राफिक क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो ग्राफिक क्वालिटी मिलती है वो आपको वेरी हाई तक मिल रही है, और जो इसमें फ्रेम रेट मिलता है वो मैक्स तक मिलता है। तो दोस्तों मैंने इसकी ग्राफिक क्वालिटी जो है वो तो मैंने हाई कर रखी है, और जो इसका फ्रेम रेट है वो मैंने इसका मैक्स कर रखा है। इस सेटिंग के साथ में खेल के देखता है कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो अगेन बोलूंगा दोस्तों, इसमें ग्राफिक क्वालिटी मेरे को काफी बढ़िया लगी है, और गेम काफी स्मूथली चल रहा है। तो दोस्तों ये भी गेम लगभग 5 मिनट तक चला है। इसमें भी दोस्तों इसने बैटरी ड्रॉप 2% करी है 5 मिनट के गेम में।
इसमें भी दोस्तों ब्राइटनेस की फुल रही है और जो ग्राफिक क्वालिटी सबसे हाई मिलती है वो मैंने कर रखी थी, फ्रेम रेट भी। तो आप अगर इसमें 5 मिनट गेम खेलते हो हाई ग्राफिक के साथ में, चाहे दोनों में से कोई सा भी गेम खेलते हो, दोनों में आपको 5 मिनट में 2% बैटरी ड्रॉप ये फोन करके देगा। तो दोस्तों मैं BGMI में आपको एरेंगल खेल के दिखाता हूँ इसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है और क्या ग्राफिक के साथ में हम खेल सकते हैं। तो अभी बैटरी परसेंटेज देख लीजिए आप, 41% है। अभी टाइमिंग देख लीजिए, लगभग आपको 14 मिनट ये दिखा रहा है। देखते हैं कितनी देर तक इसमें गेम चलता है और कितना ये बैटरी ड्रॉप करता है। ग्राफिक क्वालिटी दोस्तों आप ये देख सकते हो, इसमें ग्राफिक क्वालिटी तो एक्सट्रीम तक जा रही है, पर एक्सट्रीम तक नहीं मिलेगी। ग्राफिक क्वालिटी मिलती है, मैं HD कर रहा हूँ, HD तक हम खेल सकते हैं। और जो फ्रेम रेट है इसका अल्ट्रा कर रखा है, इसमें खेल के देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है।
तो दोस्तों ये भी गेम खत्म हो गया। ये तीनों गेमों के बारे में बताऊं तो दोस्तों ये लगभग 41 मिनट से इसमें गेम चल रहे हैं, और फोन की बारे में बोलूं तो दोस्तों ये हल्का यहां से हीट होना शुरू हो गया है। पर ये बोलूंगा दोस्तों कहीं भी मेरे को इसमें फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला है, सारे गेम मैक्स सेटिंग में बहुत ही स्मूथली चले हैं। आपने देखा दोस्तों ग्राफिक तीनों ही गेमों में काफी अच्छी मिलती है, काफी बढ़िया इसमें चलते हैं। दो इस फोन में मेरे को बहुत ही अच्छी चीज लगी है, एक तो इसकी दोस्तों ब्राइटनेस जो कि आपकी काफी मदद करने वाली है। अगर आप गेम खेलते हो तो दोस्तों अच्छी खासी आपको इसमें ब्राइटनेस मिलती है 1450 nits की। उसके साथ में दोस्तों इसकी जो लाउडनेस है इसमें आपको ड्यूल स्पीकर मिलता है जो कि काफ़ी लाउड है। तो अगर आप इसमें बिना हेडफोन लगाए या ईयरफोन लगाए इसमें गेम खेलते हो तो सामने वाले की आवाज़ भी आपको काफ़ी अच्छे से गेम में सुनाई देने वाली है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़रूरी रहता है अगर आप ज़्यादा इसमें गेम खेलते हो। तो ये दोनों ही चीज़ मेरे को इसमें काफ़ी अच्छी लगी है। और दोस्तों इसमें जो 41 मिनट तक गेम खेलने के बाद में जो बैटरी ड्रॉप हुई है, तो जब मैंने स्टार्ट करा था इसमें 48% इसमें बैटरी थी, अब 31% इसमें बैटरी है। तो आप लगा लीजिए दोस्तों इतने 41 मिनट गेम खेलने के बाद में, तीन गेम खेले इसमें अलग अलग, फुल इसकी ब्राइटनेस कर रखी है, बस इसकी आवाज़ मैंने कम कर रखी है, बाकी सब कुछ इसमें मैक्स कर रखा है, इसकी ब्राइटनेस पूरी कर रखी है, तो आपको इतना बैटरी बैकअप इसमें मिलने वाला है। जो इसमें दोस्तों 4500 mAh की बैटरी मिलती है वो इतना दोस्तों आपको बैटरी बैकअप गेम में तो नहीं निकाल के दे रही है, पर ओवरऑल आपको इसमें गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वाला फोन लेना है तो मैं इस फोन की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस फोन को ले सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।